आपने क्वांटम नंबर बहुत अच्छे से ले लिया, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना चाहते हैं, उनका नेमिंग करना चाहते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स हमारे आएंगे। तो उस पूरे आर्टिकल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस इसको बिल्कुल ऐसे समझिए कि एक कंट्री है इंडिया, उसके अंदर आपको पॉपुलेशंस दी गई है, उसे एडजस्ट करना है। पहला आदमी आएगा, उसे कहाँ रखना है, मुंबई में रखना है, दिल्ली में रखना है, कलकत्ता में रखना है, कोटा में रखना है, तो वो सब चीज़ें हमारे को बतानी है। पहला आदमी आएगा, उसे कहाँ रखना है, दूसरा कहाँ रखना है, तीसरा कहाँ रखना है। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, पहले हम एक शहर भरेंगे, यानी एक सिटी, कंट्री पूरा भर देंगे सिटी को, फिर दूसरी सिटी में स्टार्ट करेंगे, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करके हम सिस्टमेटिक जमाएंगे। यही चीज़ हम इलेक्ट्रॉन के साथ करते हैं। सबसे पहले उस ऑर्बिटल में रखते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम है। ये सब बातें अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग वे में बोली, हम उनको पढ़ेंगे। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस लिखते वक्त हमें कुछ खास पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा और वो अलग अलग साइंटिस्ट हमें हेल्प करेंगे। इसमें 3 साइंटिस्ट हमारे पास होते हैं। तो लिखिए इसके अंदर, फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस, फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस फिगुरेशंस ऑफ एलिमेंट given by following 3 scientists, 3 रूल आप लिख लीजिए। साइंटिस्ट हर कोई जरूरी नहीं है हो। 3 रूल, फर्स्ट पाउली's रूल। तो पाउली साइंटिस्ट का भी नाम है। सेकेंड, हुंड्स रूल या थ्योरी, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। चौथे नंबर पे आता है आफबाउ, ये एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है। आफबाउ's रूल या थ्योरी, ये आफबाउ का मतलब होता है बिल्डअप, ज्वाइन करके, कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक साथ दिया था, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, आफबाउ प्रिंसिपल या आफबाउ थ्योरी। तो ये हमारे लिए हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस के लिए अलग अलग साइंटिस्टों का कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो आफबाउ हमारे लिए N+L रूल भी कहलाता है। तो आफबाउ हमारे लिए क्या कहलाएगा, N+L रूल भी कहलाता है। और इस आफबाउ का मीनिंग जरूर लिख लीजिए। आफबाउ मतलब बिल्डअप, आफबाउ मतलब बिल्डअप या जोड़ना, जोड़ तोड़ करके बनी हुई रूल है ये। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे इसमें, पाउली's रूल। तो हेडिंग डाल लीजिए पाउली's प्रिंसिपल या पाउली's रूल। पाउली's थ्योरम भी लिख सकते हो। तो पाउली's क्या कहता है, लिखिए। तो ये कह रहा है, द प्रिंसिपल स्टेट दैट नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम दैट एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। भाई सिंपल सा है, मेरे घर में 2 सुनील लखोटिया नहीं रहेंगे, एक ही रहेगा। पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में कितने ही हो, लेकिन मेरे घर में तो मैं अकेला ही रहूंगा, मेरा नाम वाला, ठीक है। वही चीज है। तो हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम नंबर सेम हो जाए तो चौथा अलग होगा, या फर्स्ट सेकंड फोर्थ सेम हो जाए तो थर्ड अलग होगा, कुछ ना कुछ तो अलग होगा। समझ में आ रहा है। हो सकता है कि 2 सुनील लखोटिया हो, लेकिन उनके लिए कुछ भी चेंज हो सकता है। हो सकता है उनका स्टेट अलग हो, या सिटी अलग हो, या कुछ भी अलग हो, कोई एक चीज तो अलग होगी। और अगर शुरू की 3 सेम हो गई, यानी स्टेट सिटी घर तक आपका एक ही हो गया, तो फिर उसका नाम अलग अलग होना तय है। तो यही यहाँ पर कह रहा है ये स्टेट्स। तो लिखिए इसके अंदर, यानी हम अगर कभी भी कोई ऑर्बिट है, मैंने नाम दे दिया इसको 4s, क्या नाम दे दिया, 4s। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन लिखा जा रहा है तो इस और दूसरा इलेक्ट्रॉन लिखा जा रहा है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू क्या है जल्दी से बोलो 4, एल की वैल्यू कितनी है 0 और एस की वैल्यू एम की वैल्यू भी कितनी है 0। तो एस की वैल्यू क्या हो गई मान लिया +½ है मान लिया, तो दूसरे के लिए क्या होगी -½ और पहले के लिए अगर -½ है दूसरे के लिए क्या होगी +½ तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू क्या हो जाएगी -½ दोनों को +½ नहीं कह सकते, पहले वाले को क्या कहें +½ या -½ कुछ भी कह दो उससे कोई बात नहीं है। अगर पहले वाले को माइनस कहेंगे तो दूसरे वाले को क्या कहेंगे प्लस। आ रही है, यानी इन केस यहां एक की पॉइंट डालेगा और वो की पॉइंट क्या रहेगा लिखिए इन केस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम ऑर्बिटल in case of 2 electron of same orbital the direction of rotation on self axis यानी spin quantum number, इसको क्या बोलते हैं spin quantum number should be different क्यों, क्योंकि 3 तो शुरुआत की आप ऑर्बिटल सेम ऑर्बिटल बोलते शुरुआत की 3 क्वांटम नंबर तो आपकी सेम हो ही गई। जैसे एक ऑर्बिटल बनाया तो n l m की वैल्यू सेम हो गई, तो यहां एक पॉइंट और बनता सकता था इन सेम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स आर सेम। ये दूसरा की पहला की पॉइंट यहीं डाल दीजिए की पॉइंट फर्स्ट इन फॉर सेम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर आर सेम ये तो हमारे लिए भिड़ते ही पहला पॉइंट हो गया, यानी कि आपके एक क्वांटम नंबर एक ऑर्बिटल में देखा जाए तो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर सेम हो गए लिखते ही, तो इसलिए डायरेक्शन क्या होनी चाहिए अलग होनी ही चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हो सकते हैं लेकिन कब जब वो अलग ऑर्बिटल में हो, और एक ऑर्बिटल में 2 क्लॉकवाइज नहीं हो सकते। ये भी इसका थर्ड पॉइंट हो चुका है। इन आसान मतलब हमारे लिए ये स्टेटमेंट हो सकता है कि पाउली स्टेटमेंट्स का ऐसा क्वेश्चन बन जाए जो थ्योरेटिकल है। Which of the following is show या is given by Pauli? Statement 1, 2, 3 all of these भी आंसर हो सकता है। तो यहां पर थर्ड की पॉइंट आपके पास क्या बनेगा और वो बिल्कुल सही है। थर्ड की पॉइंट आपके लिए ये बन सकता है कि की पॉइंट की जगह मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। Which of the following electronic configurations, electronic representation या distribution show Pauli's rule? तो आपके दिमाग में एक और चीज आ रही है, पाउलीज रूल क्या रहेगा। यहां पर भी स्पेलिंग सही करिए। पाउलीज रूल ए फर्स्ट ऑप्शन। मैं कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक भरने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने ये खाली छोड़ के यहां भर दिया। दूसरा मैंने ये ऐसे भर दिया। थर्ड मैंने ऐसे भरा और चौथा कौन सा पाउलीज रूल को फॉलो कर रहा है? ए बी सी डी ऑप्शन में, 1 2 3 4 ऑप्शन में, ए बी सी डी नहीं है, जल्दी बताइए। हाँ फर्स्ट शो कर रहा है, कर रहा है, यस। सेकंड यस, थर्ड यस, फोर्थ नो, बिल्कुल सही आंसर है। तो यहां हमारे लिए आपका कंसेप्ट बिल्कुल सही है कि भाई ये तो कर रहा है, कोई और रूल करे ना करे पाउली तो कर रहा है। पाउली ने क्या कहा, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते, बस इसको पकड़ के चलो। इससे भी इजी लैंग्वेज है ये, दूसरी सेकेंडरी लैंग्वेज है। द प्रिंसिपल स्टेट दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ये स्टेटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट है, इससे आसान है बस ये बोलना। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या जाएगा, फोर्थ नहीं जाएगा, बाकी सारे जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो लिख लीजिए पाउलीस रूल। इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, हुंड्स रूल। तो हेडिंग डाल लीजिए हुंड्स रूल या हुंड्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल दिया, उसके जस्ट बाद में हुंड्स भी आ गए अपना रूल लेके। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इसको लेके आ गए। ये क्या कहते हैं, वाइल फिलिंग द ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, यानी सेम एनर्जी के ऑर्बिटल आप फिलअप करें, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट, यानी पेयरिंग तब करेंगे ओनली व्हेन ईच ऑर्बिटल हैव गॉट 1 इलेक्ट्रॉन, यानी सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, दैट टू विद सेम स्पिन और पैरेलल स्पिन, यानी एक ही डायरेक्शन की स्पिन में हो। नहीं समझ में आया? मान लीजिए हुंड्स एक हॉस्टल का मालिक है, ठीक है, और उसके हॉस्टल में सपोज 10 कमरे हैं, रूम है। तो उसने कहा पहला स्टूडेंट आएगा, आप भाई पहले रूम में आ जाओ, दूसरा आएगा दूसरे में बिठाएगा, तीसरा तीसरे में, चौथा, और सब में डबल बेड लगा हुआ है, ठीक है ना, सब एक एक रूम दे देगा सबको। या सुनो, यानी पेयरिंग कब स्टार्ट करेगा, जब 10 बच्चे पूरी तरह से आ जाए। फिर 11वां आएगा, उसे कहेगा देखो अब आप हमारे पास 10 हो गए, अब आपको शेयर करना पड़ेगा, यानी शेयरिंग ऑफ रूम तब स्टार्ट होगी जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास जब रूम खाली है तो उसका यूज करो। दूसरा रूल उसने ये निकाल दिया कि जब शेयरिंग हो रही है रूम की, तो हर एक रूम में 2 लड़के सोएंगे, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? तो ये उसने ऐसा बताने की कोशिश की आसान लैंग्वेज में, ये कि अपना जो बॉयज हॉस्टल है उसमें हर एक रूम में मैक्सिमम 2 से ज्यादा तो वैसे ही नहीं आएंगे, और 2 अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। ये बात पहले ही पाउली बता चुका था, ठीक है। तो हुंड ने क्या बताया, हुंड ने ये बताया कि सारे रूम में एक एक लड़का रहेगा और सब एक ही डायरेक्शन में सोएंगे, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में सोना है उन्हें जब भी सोना है, ठीक है। तो ये तो पहले उन्होंने बता दिया। तो कुल मिला के हमने उसे ये पूछा भाई आप पहले रूल को एक्सप्लेन करो, तो उसने कहा ये रही है, ये ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आया तुम यहां जाओ, दूसरा आया तुम यहां जाओ, मतलब उसी डायरेक्शन में आना चाहिए जिस डायरेक्शन में पहला वाला था। अगर पहला वाला प्लस हाफ है तो दूसरा वाला भी प्लस हाफ, पहला वाला माइनस हाफ है तो दूसरा वाला भी माइनस हाफ, फिर तीसरा इस तरह, चौथा इस तरह, पांचवा इस तरह। अब पेयरिंग स्टार्ट होगी, सही है। तो पहले आपको ये देखना है कि ये सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं या नहीं है। तो आपके पास पॉइंट्स बन गया है, हाँ सब ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं, ठीक है। और जब सेम एनर्जी के हैं तो सबको एक एक दो, पेयरिंग मत करो जब तक कि सबको एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाए, उसके बाद पेयरिंग करो। अच्छी बात है। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन कर दिया, भाई ऐसा क्यों, भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो करें, इसके पीछे लॉजिक भी तो दो। उसने कहा मल्टीप्लिसिटी से मैं बताऊंगा इस, और ये मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं और क्या होती है, वो अगला पॉइंट आ गया। मल्टीप्लिसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज दिस 2s+1 वेयर एज रिप्रेजेंट टोटल स्पिन एंड इट शुड बी मैक्सिमम फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे ज्यादा होनी चाहिए जिसके लिए। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, एग्जाम्पल समझिए इसको। आपके पास इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल है, आपने इलेक्ट्रॉन ऐसे भी भर सकते थे, आप ऐसे भी भर सकते थे, और आप ऐसे भी भर सकते हैं। हम जानते हैं तीनों स्टेट अलग अलग है, लेकिन सही एक ही होगी। और कौन सी सही है, ऊपर वाली फर्स्ट 1 2 वन इस तरह से, क्यों? क्योंकि हमने हुंड रूल पढ़ लिया, लेकिन उसके पीछे थ्योरी क्या है, मल्टीप्लिसिटी एस निकालना है आपको। तो ये एस निकलेगा क्या, यानी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी इसकी, कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला याद है, टू ब्रैकेट बनाएंगे मोड लेना जरूरी है। पहला इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए हाफ है तो 1/2 + 1/2 + 1/2 सेम डायरेक्शन का है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे +1। इसके लिए क्या करेंगे आप, इस जगह आपके मल्टीप्लिसिटी 2, पहला वाला इलेक्ट्रॉन +1/2, दूसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन में -1/2, फिर सेम डायरेक्शन में +1/2, ब्रैकेट क्लोज मोड क्लोज और फिर 1। थर्ड वाले केस में पहला 1/2, दूसरा -1/2, ये वाला -1/2 का है, ये +1/2 -1/2 और तीसरा +1/2। तो ओवरऑल ये मिला के कितना होगा, इस जगह कितना हो रहा है आपको 3/2 2, 3 + 1 4। क्या मैं सही हूं, मैथ सही है? इधर देखिए ये क्रॉस हो गया 1/2 1 और ये कितना आ जाएगा 2, और यहां मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, ये क्रॉस हो गया 1 और ये 2। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी किसके लिए आ रही है, इसके लिए। तो ये सही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच शो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इज मोर स्टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस शो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मोर स्टेबल एस अदर। तो ये हमारे लिए बहुत आसानी से है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, की पॉइंट। तो अगर आपसे कोई और एग्जांपल पूछे, फाइंड मल्टीप्लिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बना दे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कौन सा और सबशेल लिया F, और इलेक्ट्रॉन इस तरह से बना दे। तो इसकी मल्टीप्लिसिटी पूछी जा रही है आपसे पास, तो क्या हो जाएगी? आप जल्दी करना चाहते हैं तो ये इससे क्रॉस हो जाएगा +1/2 -1/2। एक मिनट सामने देखिए, +1/2 -1/2 क्रॉस हो जाएगा, ये इससे क्रॉस हो जाएगा पक्का, ये इससे क्रॉस हो जाएगा। तो बचे कितने, दो ही बचेंगे, यानी आपके पास 1/2 वाले कितने बचेंगे, सिर्फ 2, बाकी सब -++। तो 1/2 1/2 1, 1 × 2 2 2 + 1 3। तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी 3। क्या आपको बहुत ज्यादा ऐसे कैलकुलेशन करने की जरूरत है, नहीं, डायरेक्ट ही कर लो। ये से क्रॉस, ये से क्रॉस, ये से क्रॉस, 2 बचे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मतलब 1/2 + 1/2, 1 हो गया, 1 × 2 2 + 1। या आप ऐसे भी कर सकते हो, मेरे थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने बच रहे उसमें 1 1 ऐड जोड़ दो, बोलो या सुनो 1 ज्यादा जोड़ दो, तो इस हिसाब से आपका काम चल जाएगा। तो आप बता सकते हो किसी भी ऑर्बिटल सबशेल के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 0 या 1 1, बिल्कुल सही है। तो ये एक और की पॉइंट लिखो, For any subshell, minimum value of multiplicity is 1. ये की पॉइंट और एक साथ हो गया आपके लिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी फॉर एनी सबशेल, ये सबशेल लेवल पे डिफाइन होती है, इज 1। तो इस पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिसिटी इज नॉट पॉसिबल, बन सकता है क्वेश्चन तो बहुत आसानी से। एग्जाम्पल क्या बनेगा, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी, फॉर सबशेल नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ए 0, बी -3/2, -3, सी +3 और डी (3/2). मोर देन वन करेक्ट है। बताओ जल्दी से आंसर क्या क्या जाएगा। 0 पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल पूछ रहा है, आंसर जाएगा 0 पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। थर्ड +3 पॉसिबल है, हाँ, तो हमसे तो नॉट पॉसिबल पूछा जा रहा है। फ्रैक्शनल में पॉसिबल आती है क्या मल्टीप्लिसिटी? नहीं, हो ही नहीं सकती, ये 2 से मल्टीप्लाई, तो ये भी आंसर जाएगा। तो इसका आंसर जाएगा ए बी डी। क्लियर है? बहुत इजी है, लिखें इसको। चुके हैं कौन सा? पाउलीज रूल एंड हुंड्स रूल। इन दोनों से हमें आइडिया लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा कैसे जाएगा, लेकिन पूरी तरह से हमें अभी भी और दिक्कत आ रही थी। हमें एक और रूल चाहिए था कि पहले किसको भरें। हमारे लिए दिक्कत ये नहीं थी भरना कैसे, किसको पहले भरें वो हमारे लिए दिक्कत थी। तो कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर रूल दिया, अफबाउ प्रिंसिपल। इसमें अफबाउ का मतलब है बिल्डअप, यानी जोड़ तोड़ के बनाई हुई सरकार या रूल, बात एक ही। इसमें N+L रूल आ गया, एनर्जीज का रूल आ गया, सब कुछ आ गया। तो इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले द इलेक्ट्रॉन आर एडेड प्रोग्रेसिवली टू वेरियस ऑर्बिटल्स in the order of increasing energy, starting with the orbital of lowest energy generally. यानी आपको जो कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है उसको पहले भरना है, फिर ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल भरना है एक एक करके। नेक्स्ट, किसकी एनर्जी कम या ज़्यादा होगी ये किसने बताया? N+L, जो कि अफबाउ का ही एक पार्ट है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ N+L रूल जनरली. As the value of N+L increases, the total energy of orbital also increases. यानी जिस ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी और उसे पहले भरा जाना चाहिए। N यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, L यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर है। समझ में आ रही है? एजीमुथल को आप एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। अगर N+L की वैल्यू किन्हीं दो अलग अलग ऑर्बिटल के लिए सेम आ गई, आ सकती है, ऐसा देखने को मिला, तो फिर उस कंडीशन में क्या किया जाए? उस कंडीशन में ये लिखेंगे, इफ वैल्यू ऑफ N+L इज सेम और डिफरेंट, और N+L इज सेम और डिफरेंट ऑर्बिटल, बट ऑर्बिटल हमारे लिए क्या है? डिफरेंट है, दो अलग अलग ऑर्बिटल है, देन ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ N हैव लोअर एनर्जी। तो जिसके लिए लोअर वैल्यू ऑफ N है उसकी एनर्जी भी क्या होगी? लोअर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ ही हूँ, मुझे यहाँ पर 4s और नहीं, इन दो ऑर्बिटल में देखिए आप, या इन दोनों में देखिए, समझ में आ रहा है? इनके लिए N+L की वैल्यू कितनी है? 3 और 1 4 नहीं 3 और 2 5, 4 और 1 5, दोनों के लिए N+L की वैल्यू कितनी है? 5 5। और यहाँ पर फिर जिसके लिए N की वैल्यू कम है वो पहले भरा जाएगा, जबकि यहाँ N+L की वैल्यू कितनी है? 3 और 1 4, 4 और 1 0 4। तो यहाँ 4s की 3d से कम है। क्यों भाई? क्योंकि N+L की वैल्यू 4 है, वहाँ पर क्या है? 5 है। तो 4s पहले भरा जाएगा 3d से, लेकिन 3d और 4p दोनों के लिए N+L की वैल्यू सेम है, तो N की वैल्यू किसके लिए कम है? d के लिए। तो बस, तो 3d को पहले भरेंगे फिर, तो ये सीक्वेंस आएगी। अब यहाँ दो बातें आ रही है कि हमें ये सीक्वेंस क्या सारे ऑर्बिटलों के लिए N+L निकाल निकाल के देखनी पड़ेगी? नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लिख दें, 1s फिर 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, और लाइन खींचते चले जाएंगे ऐसे। तो सबसे पहले 1s फिर 2s आएगा, फिर लाइन यहाँ आई 2p, फिर 3s, फिर लाइन आई 3p 4s, फिर 3D 4D और फिर बाद में भी आ सकती है लाइन यहाँ पर। और यहाँ क्या आ जाएगा 4P के बाद ये क्या आएगा 5S, 5S ये लाइन अभी आगे जाएगी 5S और फिर उसके बाद लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी 5S के बाद कहाँ से हो जाएगी 4D, 4D और फिर उसके बाद चलता चला जाएगा जो भी आ रहा है। लेकिन इससे भी अच्छी ट्रिक है, ये ट्रिक ही तो ही एक्सेल लाइन खींचना, इससे अच्छी ट्रिक कौन दे रहा है मैं ऑब्वियसली। तो लिख लीजिए यहाँ पर सुनील सर ट्रिक या आप इंपॉर्टेंट ट्रिक लिख लीजिए आप तो बाय एसएल सुनील लखोटिया, ये तो रहना चाहिए मेरा नाम तो चलना चाहिए। इस ट्रिक में क्या किया मैंने आपको एक मंत्र याद कराया, आप ये मंत्र को सुबह शाम खाना खाने से पहले बोलेंगे। एस क्या बोलेंगे एस एस पी दो बार बोलेंगे एस पी बोल दिया आपने। फिर क्या बोलेंगे एस डी पी हर चीज दो बार बोलेंगे सिवाय शुरुआत को छोड़ के। तो क्या बोला आपने एस पी एस डी पी। अब क्या ऐड करेंगे एफ को, और जिस चीज को ऐड करेंगे वो जस्ट एस के बाद ऐड होगा। आप ध्यान से देखिए एस पी दो बार बोला फिर डी को इंट्रोड्यूस करा जस्ट आफ्टर एस एस डी पी। अब किसको करेंगे एफ को, तो किसके बाद लिखेंगे एस के बाद। तो क्या हो जाएगा एस एफ डी पी दो बार हो गया। अब किसको ऐड करेंगे जी को, जरूरत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी अपन तो बना लेते हैं हाइपोथेटिकली। तो क्या हो जाएगा एस जी एफ डी पी एस जी एफ डी पी बोलो समझ में आ गया। और आगे करते हैं, जब हाइपोथेटिकल करते हैं तो कोई लिमिट थोड़ी ना रहती है हाइपोथेटिकल की। किसको इंट्रोड्यूस करेंगे जी के बाद एच को, बिल्कुल एस एच जी एफ डी पी एस एच जी एफ डी पी इस तरह से भरेंगे पक्का। तो ये क्या हो जाएगा एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस एस जी एफ डी पी एस जी एफ डी पी एस एच जी एफ डी पी एस एच जी एफ डी पी। कुछ खास बात, ये ग्रुप अपने आप में क्या कहलाएगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अपने आप में क्या कहलाएगा, क्या ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाएगा, नहीं। इसको हमने नाम दिया पीरियड, क्या नाम दिया पीरियड, पीरियोडिक टेबल वाला। तो इनको नाम दिया मैंने पीरियड, क्या नाम दिया फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड। ये पीरियड डिसाइड करेगा फिर आगे जाके। मैंने अपना काम हर एक चैप्टर में किया है, पीरियोडिक टेबल में भी काम किया है। तो ये सेकंड पीरियड कहलाएगा। तो आप मेरी मदद करो और बताओ ये वाला कौन सा पीरियड कहलाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाइन्थ पीरियड होगा, बोलो यस और नो। तो आप आराम से लिख सकते हो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11। तो ये ट्रिक कहाँ तक लग सकती है, ये तो पूरा आगे तक ले जाओ आप, जहाँ चाहे जहाँ तक ले जाओ। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। तो ये इस अप्रोच से जो कि मैंने दी है, क्या इससे ये बन सकती है, हाँ आराम से बन सकती है। कैसे, एक बार आओ तो सरी। देखिए उसमें और इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ये चीज दिमाग में भी चल सकती है कि बस ये पहली बार है जहां एस बोला है, बाकी सब जगह दो दो बार रिपीट किया है। तो सबसे पहले हमारे पास दिमाग में यही आता है कि हम पीरियड बता चुके हैं, तो अंतर क्या है पीरियड में ये आते हैं। जबकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में तो एसपीडीएफ कंटिन्यू चलता है एसपीडीएफ, जबकि यहाँ क्या चल रहा है एसएफडीपी एसजीएफडीपी ऐसे चल रहा है, जबकि वहां क्या चलता है एसपीडीएफजीएच ऐसे चलता है। तो बहुत अंतर है, अपन अंतर लिखेंगे यहाँ पर। तो पहले तो मैं आपको अपनी ट्रिक के अंदर बता देता हूँ, इसके अंदर एक और पॉइंट ऐड होगा इन अबाउ ट्रिक। एस और पी के साथ एन आता है विद एस एंड पी असाइन एन एन की वैल्यू आती है, एन की वैल्यू यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगी, जबकि विद डी के साथ आएगा डी असाइन n-1 और विद एच, एच के साथ क्या असाइन होगा n-2 चलेगा और ऐसे ही आगे भी चलता चला जाएगा। विद जी के साथ क्या असाइन होगा n-3। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 10th पीरियड लिखना हो या शुरू से चलता हूं मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले 1s भरेगा, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, 4 चालू हो गया। लेकिन d के साथ क्या लगेगा n-1, तो क्या चालू होगा 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, p के साथ तो हमेशा n वाला चलेगा और फिर उसके बाद 5s, बिल्कुल सही है, 4d, 5p, फिर 6s, 4f, 5d, क्योंकि f के साथ n-2, 6 पीरियड है n-2 और d के साथ n-1 और फिर उसके बाद 6p। वाह यार, फिर उसके बाद 7s, फिर उसके बाद 5f, 6d, 7p, 8s, आगे भी चालू रखो आप। लेकिन अब हमें जरूरत ही नहीं है, 8 पीरियड तक हमारे एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं, जिस दिन आएंगे उस दिन देखेंगे। लेकिन आप डाल सकते हो, आप चाहो तो डाल सकते हो। कौन आएगा 8s, 5g, बिल्कुल सही कहा, 6f, 7d, 8p और ये चलता रहेगा। तो आपने मुझे सही आंसर दिया, इसका मतलब मैंने बहुत अच्छा समझाया। ऑब्वियसली प्राउड नहीं करता मैं ज़्यादा। तो ये चीज क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, आपको समझ में आ गया कैसे हमें भरना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। हाँ, हमें कहीं पे भी भरना है, लेकिन कुछ रूल्स को अभी भी फॉलो करना है। जैसे एस, ये क्या है पूरा एस, ऑर्बिटल है या सबशेल है? सबशेल है। आपको ऐसा लग रहा है, बिल्कुल सबशेल है, क्योंकि ये पी है ना, ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों मिलके। तो इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। लेकिन होंगे तो आएंगे ना, पहले ही भर गए तो नहीं आएंगे। तो आप सीक्वेंस में चलते जाओ, 2 पहले यहाँ भर दो, 2 के बाद 2 यहाँ आएंगे, फिर 6 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 6 आएंगे, फिर 2 आएंगे और उसके बाद अगर सपोज 2 ही बचते हैं तो 2 भर देना, 4 आते हैं 4 भर देना, 10 आते हैं 10 भर देना, फिर बच जाते हैं आगे जाना। तो इस तरह से आप पूरी पीरियोडिक टेबल भर सकते हो, जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दूंगा मैं। बस एक्सेप्शन नहीं हो, एक्सेप्शन हम अलग से पढ़ लेंगे। तो क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक फिलअप करने में कोई दिक्कत आएगी? इससे नहीं आएगी, आप आराम से भर सकते हो। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 100 क्या 220 भी हो सपोज फ्यूचर में, तो आप चलते जाना, देख लेना कहाँ आपके 220 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके लिए ट्रिक बहुत अच्छी है। अब 1 से लेके 1000 तक भी भरो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं है आपको। तो आपके पास क्या पॉइंट्स आ रहे हैं? इस ट्रिक के बेनिफिट क्या है? आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर लेते हैं। जहां हमारा पी खत्म होगा वहां एक इनर्ट गैस बनेगी, या ये कहा जाए कि जहां हमारा एक एस स्टार्ट होगा हमारा फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट हो जाता है अल्कली मेटल का। तो की पॉइंट क्या है? एस ऑर्बिटल स्टार्ट ए न्यू पीरियड, पहला एस ऑर्बिटल स्टार्ट्स ए न्यू पीरियड। फिर आप वापस उस पॉइंट पे आ रहे हैं कि एक होता है ऑर्बिट, जैसे आप एन से रिप्रेजेंट करते हो, और एक होता है पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, जिसको आप चाहो तो एन से रिप्रेजेंट कर दो, कैपिटल एन या कुछ भी, सही है। ऑर्बिट या फिर इसको क्या बोलोगे आप? शेल। समझ में आ रहा है? इसकी वैल्यूज क्या पॉसिबल है, वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज लिखते जाओ, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी दोनों आएगी। पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3 डॉट डॉट। यहां पर पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, इसमें भी 1 2 3। हर ऑर्बिट स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट फ्रॉम एज सब शेल, ये भी स्टार्ट फ्रॉम एज सब शेल। तो अभी तक तो सारी सिमिलरिटी चल रही है, लेकिन अब डिसिमिलरिटी चालू होगी। ऑल सबशेल, इसके अंदर एक पॉइंट है, ऑल सबशेल हैविंग सेम वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ सेम एन सेम रहेगी। यानी जैसे अगर आप बात करते हो n इक्वल टू 4th शेल की बात, तो इसमें कौन होगा 4s 4p 4d, 4s 4p 4d 4f ये रहेगा। जबकि यहां क्या रहेगा थर्ड पॉइंट, ये तो फर्स्ट था आपके लिए, ये सेकंड था और ये थर्ड है। थर्ड रहेगा क्या आपके लिए, ये 4s 4p 4d 4f। तो यहां ऐसा कुछ नहीं है, ऑल सबसेल हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n ऐसा कहीं कोई नहीं रुका हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जरूरत हर एक के लिए सेम नहीं होगी एक पीरियड में। तो यहां ये डिफरेंस हो गया, ऑल सबशेल ऑफ सेम पीरियड डू नॉट have same value of subshell। For example अगर फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं तो आपके पास पता है फोर्थ पीरियड में कौन होगा, 4s से तो चालू होगा, लेकिन बीच में कौन होगा 4s 3d 4p खत्म। बस कौन सी चीज मिस है, f मिस है। बहुत अच्छा पॉइंट हमारे पास आ गया। समझ में आ रही है बात। तो डिफरेंस अभी बाकी है, ऑर्बिट और पीरियड। मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फोर्थ नंबर का पॉइंट। यहां डिफरेंस देखते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहां पर। टू एन स्क्वायर, जबकि यहां पर अगर हम बात करें मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर से कम होंगे। क्या होंगे, कम होंगे। अब बात आती है कम तो होंगे, लेकिन होंगे कितने। तो देखो इसके लिए आपके पास एक सीरीज बन रही है, अगर आप उस सीरीज को क्रैश कर लो तो बहुत अच्छी चीज है। कैसे सोच रहे हो आप, फर्स्ट में कितने आ रहे थे आपको याद है, 2। फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने आएंगे, पीरियड नंबर और मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट में कितने, 2 पता है। फर्स्ट पीरियड में कितने आएंगे, 2। कैसे पता लगाया, क्योंकि सिर्फ s ऑर्बिटल है। अपन ने पहले ट्रिक बनी है, सिर्फ एस है फर्स्ट के अंदर, दो सेकंड के अंदर कितने होंगे, एस और पी दोनों होते हैं 8, बिल्कुल सही है। थर्ड के अंदर कितने होंगे, उसमें भी एस और पी होते हैं बस। फोर्थ में कितने होते हैं 18, 5 में कितने होंगे, 6 में कितने होंगे, तो हर चीज दो दो बार आ रही है, कौन सा होगा 32। फिर 7 में कितने होंगे 32, फिर अब 50 आ जाएंगे, कितनी बार आएंगे 15 भी, दो बार 50, बोलो आ गया समझ में। तो इसको अपन एक जनरल सीरीज के रूप में बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास सीरीज का फॉर्मूला भी बन जाएगा। यहां आप क्या लिखो, ऑर्बिट नंबर और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां पर आप पॉसिबल इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने आएंगे, फर्स्ट के अंदर कितने हैं 2, सेकंड के अंदर 8, मैं सही हूं, थर्ड के अंदर 18, 2n स्क्वायर है ना ये 2n स्क्वायर, फोर्थ के अंदर 32, 5 के अंदर 50, 6 के अंदर कितना होगा, देख लो आप 6 के अंदर कितना होगा आपके पास 72, 7 में कितना होगा आपके पास 49 का डबल कितना होगा 98, और 8 के अंदर कितना होगा 8 अट्ठे 64, 128, बिल्कुल सही मैथ है आपकी। और 9 के अंदर कितना होगा आपके पास 162, समझ में आ रहा है। तो जो यहाँ पर 2, 8, 8, 18, 18 चल रहा है वो यहाँ पर दो दो बार चल रहा है, इस कारण आप पीछे रह जाओगे। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 50, 50, 50, 50 के बाद क्या आएगा 72, 72 दो बार, 98 यानी 98, 98 दो बार, 128, 128 दो बार, फिर 162, 162 दो बार, हर चीज दो बार आएगी। तो आप आराम से लिख सकते हो, आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। अगर आपसे कोई हाइपोथेटिकल पूछ ले, बताओ क्या, अगर आपसे कोई फॉर्मूला मत याद करो, क्योंकि जितने फॉर्मूले बनाओगे याद करना तो है ही नहीं, आपको फाइनली मेरी अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। यहां 2 पॉइंट बन सकते हैं। पहला एग्जांपल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन इन 10th शेल, शेल बोल दिया जाए तो आंसर क्या जाएगा आपका, जल्दी से बताओ। 2n स्क्वायर लगेगा, फॉर्मूला शेल बोला है तो 100 और 200, आंसर कितना आएगा 200 पक्का। तो यहां पर आपके साथ होगा अगला क्वेश्चन, एग्जांपल आ गया आपके पास दूसरा, हाउ मेनी मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन की जगह एलिमेंट, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन आने वाला एक नया एलिमेंट बनाएगा। हाउ मेनी मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट इन 10th पीरियड, यहां ELE का मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है यहां पर, और यहां ELE का मतलब एलिमेंट है। थोड़ा सा इसको और ज्यादा कर लेते हैं, हाउ मेनी मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट इन 9th पीरियड, तो 9 तक तो थे ही आपके, आंसर क्या जाएगा, बिल्कुल आपने लिख दिया 72, खत्म। तो दोनों आंसर सही है। एक और हो सकता है एग्जांपल, हाउ मेनी मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट if each orbital how many maximum possible element in 10th period, पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, 10th period if each orbital get की जगह got 3 electron, यानी 2 की जगह इंस्टीड ऑफ 2, 2 की जगह 3 इलेक्ट्रॉन अगर फिलअप हो रहे हैं तो बताओ क्या आंसर होएगा आपका। आंसर होगा कि जब 2 होते थे तब आंसर कितना था 72, जब 2 होते थे तो आंसर कितना होता था 72, तो 1 होगा तो कितना आंसर होगा 72 डिवाइडेड बाय 2, और 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 3, 108। 2 पे इतना, तो 1 पे इतना, और 3 पे कितना। तो यूनिटरी मेथड आप हर जगह यूज कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, पक्का आ गया। तो आप मुझे बता सकते हो 10th पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं मैक्सिमम, कोई कंडीशन नहीं दे रखी हो, आंसर क्या जाएगा 72। अगर 2 की जगह 3 एलिमेंट आए तो 108। अगर आपसे पूछा जाए 10th शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, शेल 200, अगर 2 की जगह 3 इलेक्ट्रॉन आए तो 10th शेल में कितने आ जाएंगे 300। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाए जाते हैं और आपको आंसर देने होते हैं, ठीक है। लिखें इन सबको। नाउ कमिंग ऑन पॉइंट, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो करें स्टार्ट। हमें सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए लिखना है, हाइड्रोजन, तो आप आसानी से लिख सकते हो। हाइड्रोजन के लिए क्या लिख सकते हो 1s1, बोलो लिख सकते हो ना। हीलियम के लिए 1s2, अब आपके पास लिथियम आएगा 1s2 2s1। साइंटिस्टों का ये कहना है कि आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1s2, क्योंकि एक पूरा कंप्लीट ऑर्बिट हो चुका है, नया ऑर्बिट चालू कर रहे हो, तो जब नया ऑर्बिट चालू कर रहे हो तो उसको आप पुराने वाले ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिर्फ लास्ट वाले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो आप, पक्का 2s1। तो मैं साइंटिस्टों की बात कैसे मना कर सकता हूँ। बेरिलियम को देखो आप, तो बेरिलियम को अपन ऐसे ही लिख दे हीलियम 2s2, लिथियम बेरिलियम। बोरोन, बोरोन को क्या लिखोगे हीलियम 2s2 2p1, बोलो लिख सकते हो आप। कार्बन हीलियम के साथ 2s2 2p2, नाइट्रोजन हीलियम के बाद 2s2 2p3, और ऑक्सीजन के लिए 2s2 2p4, सल्फर के लिए 2s2 2p5, सल्फर नहीं फ्लोरीन के लिए, और फ्लोरीन के बाद क्या आएगा नियोन। नियोन के लिए क्या लिखोगे आप हीलियम 2s2 2p6, नियोन, फिर सोडियम। सोडियम के लिए क्या लिखोगे, क्योंकि अब ये ऑर्बिट पूरा हो चुका है, तो अब हम अगला क्या लिखेंगे नियोन, और फिर आप खुद लिख सकते हो 3s1। इस तरह से आप जा सकते हो, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या लिखोगे 3s2 3p1 3s2 3p2 3s2 3p3 3s2 3p4 3s2 3p5 3s2 3p6। क्या यहां आपको लिखने में कोई दिक्कत आ रही है? और हर जगह नियोन तो है ही। फास्फोरस का यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। अब बात करते हैं पोटेशियम की भी। पोटेशियम क्योंकि एक नया ऑर्बिट स्टार्ट कर रहा है, तब हम आर्गन लिखेंगे और 4s1, और आर्गन के बाद क्या लिखेंगे हम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, और हमारे लिए आर्गन 4s2। 3D बाद में भरा जाता है, 4s पहले भरा जाता है, इसका रीजन है n+l रूल। अब क्योंकि 4s खत्म हो चुका है, तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या आएगा, क्या रहेगा हमारे लिए, डी, 3D रहेगा और स्केडियम एलिमेंट रहेगा। स्केडियम आप आराम से लिख सकते हो आर्गन 4s2, 3D1। तो अगला क्या रहेगा, 3D2, 3D3, 3D4 होना चाहिए था, स्केडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम के केस में कुछ अलग ही देखने को मिला, आर्गन है 4s2 की जगह 1 हो गया और 3D5 हो गया, यानी ये हमारे लिए एक्सेप्शन है। तो आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक्सेप्शन है, क्यों है ये अपन इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए क्रोमियम एक्सेप्शन है। एक लाइन जरूर लिख सकते हैं, हाफ फिल डी ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। तो हम यही बोलेंगे, अगर रीजन हमसे कहा जाए हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, तो अगला पॉइंट हमारे लिए यही रहेगा कि अगर ये हाफ फिल और फुल फिल कोई भी स्टेबल होता है, ठीक है, बहुत अच्छा, तो क्यों होता है, अगला क्वेश्चन हो गया। यानी क्यों का आंसर हम थोड़ा डिस्कस के बात करेंगे। क्रोमियम, क्रोमियम के बाद क्या आएगा, मैग्नीज, आर्गन 4s2, 3d5, यानी अगर डी के अंदर देखा जाए तो दोनों में बराबर इलेक्ट्रॉन है, किसमें, क्रोमियम एंड मैग्नीज। तो मैग्नीज एक्सेप्शन ही है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4s2, 3d6, आर्गन 4s2, 3d7, आर्गन 4s2, 3d8। फिर ये एक और एक्सेप्शन आपका बन रहा है, आर्गन 4s2, 3d10, सीधा 10 आ जाएगा। और यहां पर क्योंकि यहां 10 हुआ है, इसका मतलब यहां पर आपको 1 करना पड़ेगा। और जिंक, आर्गन 4s2, 3d10, ये आपको लिखना पड़ेगा। मेरा आपसे क्वेश्चन 2 है। पहला कि ये एक्सेप्शन है तो किस चीज का है, क्या पाउली रूल का है, क्या हुंड रूल का है, नहीं। तो आपके लिए पहला पॉइंट है जो अपन लिखेंगे, इसके बाद अभी नहीं लिख रहे, क्रोमियम एंड कॉपर आर एक्सेप्शन ऑफ n+l रूल, पूरा लिखने के बाद। चलिए, और कहीं एक्सेप्शन मिला, नहीं, इसके अलावा नहीं मिल रहा, लेकिन क्या आगे मिलेगा, हाँ, उन सब जगह एक्सेप्शन मेरे को देखने को मिलेगा जहां पर 3d4 कॉन्फ़िगरेशन है जो 5 बनना चाहते हैं, 3d9 है और वो क्या बनना चाहेंगे, 10। यानी आपको आगे कहीं, यहां ही नहीं कहीं और भी 3d9 और 3d4 आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से F के लिए भी आपको F6 नहीं देखने को मिलेगा, 6-7 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके लिए हाफ फिल 7 है, और F13 भी नहीं देखने को मिलेगा। कोई डाउट? तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भरते वक्त। हमें सिर्फ 30 तक याद रखना है, हमारे सिलेबस में 30 है और 30 में सिर्फ 2 ही एक्सेप्शन बन रहा है, कौन है, क्रोमियम एंड कॉपर। तो ये हमारे पास 2 और पॉइंट आ रहे हैं, वाई दे आर एक्सेप्शंस, और दूसरा पॉइंट आ रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ अननोन एलिमेंट, डायरेक्ट गिवन अननोन एलिमेंट, कुछ भी दे दिया, लेड दे दिया, बिस्मथ दे दिया, अंगस्ट्रम दे दिया, गोल्ड दे दिया, सिल्वर दे दिया, अब आप कैसे लिखोगे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कुछ खास बातें मैं बताऊंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। लिखो जल्दी से, कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको किसी भी अननोन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल दिमाग में होनी चाहिए और ये काम पीरियोडिक चैप्टर के बाद ही होगा कि कौन सा पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है। एक बार पीरियोडिक टेबल आप पढ़ लोगे तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर भी बताता हूँ, पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह का लुक आता है उसका। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ये पक्का। तो ये हमारे लिए हो गई पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है ना, तो उसके लिए सिंपल है, हम यहाँ बात कर रहे हैं हाइड्रोजन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, पक्का। अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कि बताइए यहाँ कौन सा एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। किसी ने मेरे से बेरियम पूछ लिया, बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा एकदम से। तो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। हाँ बोलो बेटा, कुछ पूछना है। देखिए बिल्कुल, अब आप यहां कैसे करेंगे, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। यहां पर 1s1, यहां पर 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, तो ये कितना हो जाएगा 6s2। अब इसका आंसर अगर मेरे को बताना ही है अपने लेवल पे ही, तो मैं दो तरह से सोचूंगा कि क्या मैं बताऊं। उसके लिए मेरे को इनर्ट गैस भी मालूम होनी चाहिए, क्या हो रही है इनर्ट गैस, हीलियम, हीलियम ऊपर ही आ रहा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, पक्का, नियॉन, आर्गन, फिर उसके बाद क्रिप्टन, फिर जीनॉन, रेडॉन। लेकिन बात आ रही है कि तो हमारे लिए यहां तक कोई भी मतलब नहीं है, हम इस गैस को देखते हैं क्योंकि ये इससे पहले ये वाली गैस है, यस और नो। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जीनॉन लिख दिया हमने, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सीधा 6s2, बोलो यस और नो। तो ये बताना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। दूसरी चीज हमारे लिए और आसान हो रही है कि हम इसको कैसे देखेंगे, या हम ये सोच सकते हैं कि इसके लिए हमारे पास जीनॉन तक जाना जरूरी है। तो स्टार्टिंग हमारी वो वाली अप्रोच काम आएगी, S, S, P, S, P, S, P, S, D, P, S, F, D, P, S, F, D, P, वैसे चलना है। तो आप जानते हैं S, S, P, S, P, S, D, P, S, D, P, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे आप आ ही रहे हो। तो क्या आंसर होगा इसका टोटल, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, जल्दी से बोले, 3d10, बिल्कुल सही जा रहे हो, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2। तो क्या आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने में अब कैपेबल हो? हाँ, उन एलिमेंट का जो आपको अभी तक नहीं मालूम थे। अब मैं इसका कैसे फायदा उठा सकता हूँ, मैंने बोल दिया, आप बताइए कि बेरियम के अंदर टोटल पी ऑर्बिटल क्या है, कितने हैं, टोटल पी ऑर्बिटल कितने हैं बेरियम के अंदर, जिसमें इलेक्ट्रॉन या पी ऑर्बिटल से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पी ऑर्बिटल से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आप आराम से बता सकते हो, 6, 2, 12, 6, 3, 18 और 24। एस से रिलेटेड कितने हैं, 12, कितने, कैसे निकाल रहे हो आप, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो क्या आप इस तरह के क्वेश्चंस करने में कैपेबल हैं, हाँ या ना, बस आराम से। हाँ बोलो बेटा, ऑर्बिटल अगर आपको निकालने हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन है उसके आधे कर दो, खत्म, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यहां आधे कम नहीं कर सकते जब कोई ऑर्बिटल हाफ फिल भरा हुआ हो, तब आपको पूरा ही निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिस करते हैं अपन। अब मैं आपको अच्छे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, शुरू करें अपन। लेकिन उससे पहले ये हमारे लिए बहुत अच्छा अप्रोच है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एलिमेंट के लिए बताना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि अगर डी दे दिया जाए तो बस एक्सेप्शन ना हो तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन, यहाँ आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा हाफ फिल फुलफिल का, तो यहाँ तो बहुत आसान है बताना, सिर्फ डी में मिलेंगे। तो मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा जिसमें यहाँ दे दिया जाए एलिमेंट। ये पीरियोडिक टेबल बनाना मैं आपको पीरियोडिक टेबल में बता चुका हूँ या बताऊंगा, ठीक है ना, कि कैसे अपन फटाफट पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो चलिए पहले तो अपन पीरियोडिक टेबल अभी नहीं करेंगे, उसके लिए आप पीरियोडिक टेबल ही पढ़ेंगे। अभी तो मेरा टारगेट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड कैसे मैं आपको अच्छे एग्जाम्पल्स दूँ। और एक और पॉइंट हमारा है और वो है वाई हाफ फिल एंड फुलफिल आर मोर स्टेबल। तो हेडिंग डाल दीजिए एक्सचेंज एनर्जी। क्वेश्चन ये है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ n+l इज लेस देन इक्वल टू 3 फॉर कॉपर। तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा इसका? सबसे पहला काम आपका क्या रहता है इस क्वेश्चंस में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाएं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बता सकते हो आप, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 नहीं 4s1 3d10। यस और नो? अब ये बताइए कि इसमें से किसके लिए n+l की वैल्यू क्या है। यहाँ n+l की वैल्यू क्या होगी इस ऑर्बिटल के लिए, 1 + 0 1 होगी। यहाँ क्या होगी n+2 + 0 2। यहाँ क्या होगी जल्दी से बताइए, 2 + 1 3। यहाँ क्या होगी 3 + 0 3। यहाँ क्या होगी 3 + 1 4। यहाँ क्या होगी 4 + 0 4। यहाँ क्या होगी 3 + 2 5। बस बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? क्या इसको काउंट करना चाहिए? हाँ इनको काउंट करना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए। कोई डाउट? तो बताइए आंसर कितना होगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 2 4 और 6 10 और 2 12। आपने आंसर क्या दिया था? 12 दिया था। तो आपका आंसर कितना जाएगा? 12। यस और नो? क्या ये क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आया? आपका पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचना, दूसरा काम ये देखना कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू ये है, और तीसरा काम ये। कोई दिक्कत नहीं है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा बना देते, इसी क्वेश्चंस को। एग्जांपल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ n+l+m इज 3। अब बताइए कैसे करेंगे इसको निकालना है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाइए, 1s2 कैसे सॉल्व करेंगे, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 नहीं 4s1 3d10। तो n+l+m की वैल्यू कितनी होगी इसमें? 1 + 0 + 0 1 ही रहेगी, बोलो हाँ या ना। यहाँ कितनी रहेगी? 2 + 0 + 0 2। यहाँ क्या रहेगी? 2 + 1 कितनी हुई? 3। ये तो हुई n+l की वैल्यू 3, लेकिन अब क्या होगा? +1 - 1 0। तो ये 2 3 4 तीनों ऑर्बिटल के लिए अलग अलग होगी। यहां पर क्या होगी? यहां तो फिक्स है, कितनी होगी यहां पर जल्दी बोलो 3। यहां क्या होगा? n+l+m n+l की वैल्यू कितनी है? 4। तो 3 4 5 होगी, बोलो क्लियर है कंसेप्ट? यहां क्या रहेगा? 4 और यहां क्या रहेगा इस जगह? 3 + 2 5 5 में से 2 माइनस कर, -2 से +2 तो 3 4 5 6, 7 बोल। क्लियर है कॉन्सेप्ट? -2 से +2 तक जाएगा इसमें एल की वैल्यू। तो अब बताया क्या ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा और ये काउंट होगा और एक यहां पर भी काउंट होगा। तो आंसर क्या जा रहा है इसका 8। हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां आएंगे, यहां तो है ही एक ही। तो क्या होगा यहां पर 1, 2, 3, 4, 4 ऑर्बिटल है, हर एक में 2-2 है, 8 आपका आंसर जाएगा। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट? एक बार और समझना है, ध्यान से सुनना। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया आपने, n+l+m की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो n+l की वैल्यू तो करो आप, कितनी है n+l की वैल्यू? 1+0, 2+0, 2+1, 3, 3+0, 3, 3+1, 4, 4+0, 4, 3+2, 5। ये तो n+l। अब m की वैल्यू देखो, 1+0, 2+0, 2 ही रहेगा। अब 3, p के लिए m की वैल्यू क्या होती है? -1 से +1। तो 3 -1 +1। क्लियर है? तो 2 से लेके 4, 3 और यहां तो एक ही होगा 4, यहां पर 4 -1 +1। अब 3d के लिए 4s में तो एक ही होगा, ये 5 आ रहा है, 5 के लिए क्या होगा? -2 से +2। 3, 4, 5, 6, 7। तो अब n+l+m की वैल्यू 3 किस किस ऑर्बिटल के लिए आप मानते हैं? एक तो यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा और एक यहां आएगा। आएगा या नहीं आएगा? कोई डाउट नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा 8। अगर लेस देन इक्वल टू कर दिया जाता है यहां पर तो फिर तो ये सब आते 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वो भी निकाल लेते। तो चलिए अगला आंसर आप ही मेरे को बताएं कि अगर मैंने यहां पर ये कर दिया होता तो आंसर क्या जाता, जल्दी बताएं। देखो ये आता 2, 3, 4, मैं बनाता जा रहा हूं 5, 6, 7। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो कितना आंसर आता? 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो आपका आंसर कितना होता? 14 हो जाता। तब आपका आंसर कितना होता? 14। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये सब आना चाहिए आपको, लिखें इसको। ये चीज इक्वल टू 4 देती जाती तो आंसर क्या होता? 4। देखो फिर आपका आंसर होता एक, ये 4 कहां आ रहा है? 2, 3, 4, इधर भी 4 है और ये 5। तो आंसर क्या जाता? 9। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखो तो इसके अंदर आंसर कितना होता? जल्दी बोले 9। तो 3 अलग अलग क्वेश्चन एक साथ आप अलग अलग ही उतारेंगे आप, ठीक है? आंसर कितना जाएगा? 9। एनी डाउट? लिखें इसको। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n+l+m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 फॉर क्रोमियम। तो कैसे करेंगे आंसर्स? अब एक काम करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। क्या मैं सही हूं? मुझे क्या देखना है? n+l की वैल्यू 3 या 3 से कम हो। तो बताइए यहां n+l की वैल्यू क्या होगी? इस जगह सब जगह n+l की, केवल n+l की वैल्यू क्या होगी? 1, 2, जल्दी से बताइए, 3, 3, 4, 4, 5। ये रही n+l की वैल्यू। अब n+l+m की वैल्यू क्या होगी? 1। बोलो क्लियर है? 4s2 एक्सेप्शन है बेटा, ये क्रोमियम है। क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन हाफ फिल और फुल फिल की वजह से चेंजेज हो जाता है। दो एक्सेप्शन याद रखना है, क्रोमियम और एक कॉपर। तो यहां पर क्या होगा 1। अब इधर देख लो, ठीक है, यहां n प्लस एल की वैल्यू m की वैल्यू वही रहेगी। क्यों? क्योंकि m की वैल्यू कितनी है 0, यहां पर 2 ही रहेगी, यहां पर 3 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 4 प्लस माइनस 1। यहां पर 3 ही रहेगी, यहां पर p है 3 जाएंगे 1 2 3 तो 4 3 5। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? यहां पर कितना जाएगा ऐसे एक ही रहेगा और वो रहेगा 4, और यहां कितने रहेंगे 5 1 2 3 4 5 तो कितना रहेगा 5 4 माइनस 1 और ये 6 और यहाँ 7 और यहाँ 3। क्या मैं सही हूं? 3 4 5 6 7। हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है 3 या 3 से कम। सही है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 2 2 2 यानी 1 2 3 4 5 6 में तो 2 है, तो अलग अलग क्यों मल्टीप्लाई करें 1 2 3 4 5 6 यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इसमें कितना है 1। देखना पड़ेगा लास्ट है ना, 1 ही होता है हर एक में और वो भी सेम डायरेक्शन में। तो कितना हो जाएगा प्लस 1 6 2 12 और 1 13। हाँ या ना? तो आपके लिए आंसर करना बहुत आसान होता है मेन एग्जाम में। यहां तो आप को रिलेट करके भी कर सकते हो एक दूसरे से। आपने इससे पहले कॉपर का किया था, आप आराम से कर सकते हो। बोलो कर सकते हो या नहीं कर सकते? तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे आपसे ये आसानी से बन जाएंगे।